कोला। दोस्तों ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि कोका कोला सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि सर दर्द के लिए सिरप के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, और आज कोका कोला की हर सेकंड में 21,000 बॉटल्स बिक रही हैं, और ये कोक वाले सिर्फ एक दिन में 2 अरब के आसपास कमा रहे हैं। पर इस कमाई के पीछे छिपा है कोका कोला का गुप्त रेसिपी का हाथ। आज की डेट में कोका कोला की रेसिपी दुनिया की वन ऑफ द टॉप सुपर सीक्रेट में गिनी जाती है, जिसकी रेसिपी एक सीक्रेट वॉल्ट में हमेशा हमेशा के लिए कैद है। लेकिन कोका कोला की मेन हेडक्वार्टर वाली कंपनी में कोका बेवरेज कंसंट्रेट बेहद ही गुप्त और सुमाधी तरीके से बनाया जाता है, और बनाने के बाद इसे यहाँ से कोक के बाकी प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है। इनफैक्ट ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ 20-25 सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को भी इसकी रेसिपी नहीं पता। इस बेवरेज कॉन्सेंट्रेट के सिर्फ 2 टब से 5 लाख लीटर कोक तैयार की जा सकती है। अब जब ये कॉन्सेंट्रेट प्लांट्स में पहुँचता है तो वहाँ कर्मचारी इसमें पानी मिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं, और फिर स्वीटनर मिलाकर कार्बोनेशन के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। मतलब अब कोका कोला पूरी तरह से रेडी है पैकिंग के लिए। इसके बाद करोड़ों की संख्या में बॉटल्स, कैंस और कांच की बोतलें बनाई जाती हैं, जिसमें कोक भर दिया जाता है, और अब बॉटल्स को अच्छी तरह से लेबलिंग शेवलिंग करके दुनिया भर के मार्केट्स में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दुनिया में 2 देश ऐसे भी हैं जहां कोका कोला बैन है, और वो हैं नॉर्थ कोरिया और क्यूबा। मतलब वहां के लोगों को 20 रुपए के कोक पीने के लिए हजारों रुपए की फॉरेन ट्रिप की टिकट लेनी पड़ेगी। आई एम जोकिंग यार। वैसे अगर बात करें एडवर्टीजमेंट की, तो कोका कोला इस पर इतना खर्च करती है कि अगर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की एडवर्टीजमेंट के खर्चे को जोड़ा जाए तो भी कम पड़ेगा। तो भाई लोग, सबसे बेस्ट किसका प्रोसीजर लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर तुम्हें भी कोई ऐसी अमेजिंग फैक्ट्री प्रोसीजर के बारे में पता है तो आइडियाज भी शेयर करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।